चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ थ्री टाइप्स ऑफ लुक विद सेम साड़ी। एंड फर्स्ट विल बी गणपति पूजा लुक। आप या ये वाली जो लुक है ना, किसी भी फेस्टिवल में किसी भी फेस्टिवल में आप अटेंड कर सकते हो इस टाइप के लुक के साथ। एंड ऑल्सो मैं इससे ना तीज लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो मैं आज इस साड़ी से लुक आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे मस्ट हैव जो ब्लाउजेस थे उसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साड़ी है ना, दिस इज फ्रॉम अमेज़न। और ये जो साड़ी है वो ओनली 595 rupees की ये साड़ी है। एंड ये शिफॉन की, प्योर शिफॉन की ये साड़ी है। एज यू कैन सी इसमें मीडियम ट्रांसपेरेंसी है। एंड इस टाइप के इसमें ना बूटा वर्क्स दिए गए। इट इज वेरी ब्यूटीफुल सा साड़ी और बहुत ही लाइट वेट है। तो मैंने पहना है तो मेरे को बहुत ही लाइट फील हो रहा है। एंड ये है मेरे ब्लाउज कलेक्शन में जो कि मैंने आपको बताया था मस्ट हैव ब्लाउजेस, तो उसी से एक मैंने ये ब्लाउज उठाया है और मैंने पहना है। सो ये जो साड़ी है ना मैंने कल ही रिसीव की है, तो आज मैं इसकी स्टाइलिंग कर रही हूँ। और इसमें ना आप जैसे देख सकते हो इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि आपके पास जो ब्लाउजेस रहे ना तो आप उसके साथ पहन सकते हो। सो आज मैं आपके साथ ना मेकअप भी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं सिर्फ 5 मिनट में करूंगी। एंड दिस इज अ लाइट मेकअप लुक जो कि आप ना फेस्टिवल टाइम में या फिर आपके घर में फंक्शंस हो तो आप ना इस टाइप के मेकअप कर सकते हो। एंड फॉर दिस आई एम जस्ट अप्लाइंग फाउंडेशन। तो मैंने अपने पहले बाल बांध लिया है, जितने भी बाल है आपको फेस पे नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको वो इरिटेट कर सकता है। एंड ऑल्सो आपके जो प्रोडक्ट है आपके बाल में लग जाएंगे, आपके हेयर में लग जाएंगे। सो आप बेस्ट है कि आप जो अपने बाल हैं ना वो आप पीछे कर लो, क्लिप कर लो अगर आपके सामने से छोटे छोटे बाल हैं तो। एंड मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है, उसके पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था। तो आपको नेक एरिया पे भी लगा लेना है क्योंकि क्या होता है ना जब हम लोग मेकअप करते हैं तो हम लोग फाउंडेशन सिर्फ अपने फेस पर लगाते हैं, दैट इज़ नॉट राइट वे टू जस्ट पुल ऑन मेकअप। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप नेक पर भी आपको मेकअप कर लेना है, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेना है ताकि आपका जो नेक है ना वो डिफरेंट ना लगे आपके फेस से। एंड मैं पाउडरिंग कर लिया है मैंने, उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल से हल्का फुल्का थोड़ा सा टचअप कर लिया क्योंकि मेरे ब्राउज ना मीडियम मतलब अच्छे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा आईब्रो फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने थोड़ा बहुत सा ना आईब्रो फिल किया है, रफली मैंने आईब्रो फिल किया। उसके बाद मैं लाइनर लगा लूँगी। मेरी जो लाइनर है वो मस्ट हैव है क्योंकि मैं ना काजल नहीं लगाती हूँ। एंड मैं जब काजल लगाती हूँ ना तो वो पूरे ही मेरे आईज़ में फैल जाता है तो और मेरा फेस भी अच्छा नहीं लगता। सो मैं लाइनर ही लगाती हूँ, मैं काजल नहीं लगाती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं ना यहाँ पे लिप लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आप लॉन्ग टाइम के लिए आप मेकअप करोगे ना तो लिपस्टिक भी आपकी लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक रहनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप जो है ना लिप लाइनर लगा लें एंड उसके बाद लिपस्टिक लगाए क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इधर उधर नहीं होगी, वो स्टक हो के रहती है। तो उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग थोड़ी सी कर ली है। एंड सी द मेकअप इज डन, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और कितना नेचुरल मेकअप सा लग रहा है। इस टाइप के मेकअप आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना लुक नंबर वन। तो लुक नंबर वन के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदी लगा ली है। बिंदी जो है ना मैंने अपने ब्लाउज से मैचिंग करता हुआ लगाया है। ब्लाउज की जो कलर है वो दैट इज़ रेड कलर, तो मैंने रेड कलर की बिंदी लगाई है। एंड मैंने बैंगल्स पहना है, बैंगल्स पे भी मैंने ना येल्लो और मैं यहाँ पे रेड कलर की बैंगल्स पहन रही हूँ। तो इसके जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे ना जो 4 pieces रहते हैं ना वो मैंने ऑफलाइन लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मिलेगा। बट हाँ ये जो है आपको जो वॉलबिट वाली मिल दिख रही है ना वो मैंने अमेजन से ली है। और मैं ना अब इयररिंग्स पहन रही हूँ, इयररिंग्स भी मैंने सेम कंट्रास्ट पे पहना हुआ है, दैट इज़ थोड़ा सा ना मैंने अपने ब्लाउज से ही मैचिंग किया हुआ है। उसमें थोड़ा सा पिंक का टोन है जो कि मेरे रेड टाइप का मेरे ब्लाउज से बहुत अच्छा से कॉम्प्लीमेंट करा, तो मैंने वो पहना हुआ है। एंड सी दिस इज़ द लुक। और इस लुक के लिए ना क्योंकि गणपति पूजा क्या होती है ना, आपको जनरली मॉर्निंग में या फिर बहुत ही भीड़ होती है तो आप ना उस टाइम पर क्या सकते हो कि यू कैन जस्ट टाई योर हेयर एंड बी कंफर्टेबल। तो मैंने वही कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पोनी मैं बना रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ रबर मैं उसे सिक्योर कर लूँगी। एंड थोड़ी सी ना मैं थोड़ी सी रफली उसे ना पुल कर लूँगी अपने हेयर को, जो कि थोड़ा पफिनेस लगे, थोड़ा चिपकू टाइप का नहीं लगे, थोड़ा सा पफिनेस लगे, थोड़ा सा वॉल्यूम आए मेरे हेयर में। एंड जिसके ये पतले बाल हैं ना वो भी ये ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ माई लुक नंबर वन।
दिस लुक इज सो एलिगेंट एंड इस टाइप की लुक अगर आप कैरी करोगे अपने गणपति में ना, तो आप बहुत ही क्लासी दिखने वाले हो एंड आप येट बहुत ही स्टाइलिश दिखोगे एंड आप बहुत कंफर्टेबल रखोगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, ये जो साड़ी की फैब्रिक है बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है एंड बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की ये फैब्रिक है. सो दिस इज आई एम लविंग दिस लुक. मूविंग टू द नेक्स्ट वन जो कि है हमारा तीज लुक. तो तीज में सजना सवरना किसको नहीं पसंद होता. तो चैलेंजिंग ये है कि एक जो ये सिंपल सी साड़ी है उससे क्या हम लोग तीज लुक क्रिएट कर सकते हैं. तो येस, हम लोग तीज लुक क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ना एसेसरीज कैरी करनी होती है. तो मैंने ना यहाँ पे नेकलेस पहन ली. तो लेयरिंग में मैंने यहाँ पे नेकलेस पहना हुआ है. तो जब एक मैंने शॉर्ट नेकलेस पहना है, उसके साथ मैंने एक लॉन्ग नेकलेस पहना है. इयररिंग्स मैं यहाँ पे सेम रखूंगी एंड बहुत अच्छे से ना इसको अच्छे तरीके से लेयरिंग कर लेनी है. यू नो, थोड़ा डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए. एंड ये दोनों मैंने ग्रीन कंट्रास्ट में पहना है. तो ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है वो है येलो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन. आई लव दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी चेंज कर लिया. पहले मैंने येलो और रेड का कॉम्बिनेशन पे मैंने बैंगल्स पहना था. तो अब मैं क्या करूँगी ना, मैंने ग्रीन और मैं रेड के कॉम्बिनेशन में मैं बैंगल्स पहनूंगी टू जस्ट मैच विथ माई ज्वेलरी. जो कि मैं, क्योंकि ना मैंने ज्वेलरी जो पहनी है वो कुछ ग्रीन और रेड के कंट्रास्ट में है, तो उसी के कॉम्बिनेशन के मैच करता हुआ मैं यहाँ पे बैंगल्स कैरी कर रही हूँ. एंड मैं ना सेम फंडा यूज़ करती हूँ. मैं हमेशा अपने पास ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं हमेशा रखती हूँ. नाउ इट्स टाइम टू मेक जूड़ा. तो जूड़ा के लिए यू नीड दिस टाइप ऑफ गजरा, और फिर आप कोई दूसरा भी गजरा ले सकते हो, बट मैं इसको कंफर्टेबल रहती हूँ, उसको स्टाइल करने के लिए तुरंत ही बन जाता है. तो ये रबड़ वाली गजरा है. मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. तो जो मैंने पोनीटेल बनाया था ना, उसी को मैं क्या करूँगी, ट्विस्ट कर दूंगी. एंड ऑल्सो जूड़ा बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस. पहले मेरे को भी लगता था कि जूड़ा कैसे बनता है एंड क्या. तो आपको क्या ज़रूरत है इसके लिए, यूपिन्स ज़रूरत है एंड आपको रबड़ चाहिए और एक अच्छा सा गजरा चाहिए जो आपको पसंद हो. उस टाइप का आप गजरा रख लो एंड आप क्या करो, बस ट्विस्ट कर लो एंड उसको रबर बैंड से ना सिक्योर कर लो. उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू जस्ट यूपिन आपको लेना है एंड आपको इंसर्ट करते जाना है अपने जूड़ा में, जहाँ पे, जहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी जो जूड़ा है ना वो निकल सकते हैं. तो वहाँ पे अपने यूपिन से आपको बस सिक्योर कर देना है जूड़ा को. और ना मैं मांटिका लगाऊंगी. तो मेरी मांटिका भी जो है ना बहुत ही छोटी सी एंड बहुत ही क्यूट सी मांटिका है. तो मैं ये लगा रही हूँ. एंड इसको क्या करना है, आपको टिकटैक वाली जो क्लिप आती है ना, वो छोटी वाली ब्लैक कलर की क्लिप लेनी है एंड उसको लगा लेनी है. और आपको अपने जो बाल है ना, थोड़े थोड़े से आपको क्या करना है कि उसको ना ट्विस्ट कर देना है ताकि वो एक शेप ले ले. क्योंकि मेरी जो बाल है ना, थोड़ी कर्ली हेयर है मेरी, तो वो क्या हो रहा है ना, ऐसा सा फुल फुल सा जा रहा है, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था. तो मैंने अपने बाल को लिया एंड वो थोड़ा सा ना मैं उसे ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि वो ना बाउंसी टाइप का नहीं दिखे, रफ ना दिखे. एंड लेना है इस टाइप के गजरे को एंड बस कुछ नहीं, अपने जो जूड़े के अंदर आप उसे डाल दें एंड सी हाउ ब्यूटिफुल द गजरा लुक इज रेडी. विद इन 2 मिनट्स ना आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो. और ये जो गजरा है ना, बहुत ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही सही है. तो मैंने यहाँ पे ना बिंदी भी चेंज कर ली है. तो बिंदी चेंज करने के बाद ना आई विल जस्ट चेंज माई द कलर ऑफ माई लिपस्टिक. तो मैं उसे और बोल्ड रेड कलर का कर दूंगी, क्योंकि इस लुक के साथ ना रेड लिपस्टिक विल बहुत अच्छा सा फिट करेगा. एंड दिस इज माई कंप्लीट फाइनल लुक एंड सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग. एंड ये जो साड़ी है दैट इज ऑफ 595 ओनली. एंड इससे मैंने ये वाली जो लुक है वो क्रिएट किया. हाउ ब्यूटिफुल द लुक इज. तो आप ना, मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आप किस टाइप से किसी ड्रेस को स्टाइल करते हो एंड उसको इम्ब्रेस करते हो. सो आप जो सस्ते चीज़ों को भी ना आप बहुत अच्छे से ज्वेलरी एंड ऑल आप कैरी करके ना आप बहुत ही अच्छा सा लुक ले सकते हो. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड आई एम लविंग दिस टीज लुक. फॉर थर्ड लुक मैंने ऐड किया है यहाँ पे 2 चीज़ों को. द फर्स्ट वन इज़ नथ एंड द अदर वन इज़ चुनरी. तो ये दो चीज़ है ना, कितना बड़ा डिफरेंस ला दे रहे हैं इस लुक को. एंड तीज जो होता है ना, ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें कि आप शोला श्रृंगार करते हो एंड वो नथ और चुनरी के बिना तो अधूरा है. एंड दिस इज़ द लुक जो कि ना आप कैरी कर सकते हो अपने तीज लुक के लिए. एंड मैंने अपनी मम्मी को हमेशा इस टाइप से रेडी होते देखा है एंड मैं उनको बहुत ही अडोर करती थी. जब वो रेडी होती है ना, हम लोग सबको
कोई लाइन लगा के मम्मी को देखते रहते थे क्योंकि वो इतनी प्रीटी लगती थी यार। और इस दिन की तो बात ही अलग होती है। तो तीज में ना आप इस टाइप के लुक क्रिएट कर सकते हो एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगोगे एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ही कंफर्टेबल भी रहोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको इसमें से जो स्टाइलिंग टिप्स मिली है उससे आपको बेनिफिट मिला हो। आपके पास जरूरी नहीं है कि आप जो साड़ी पहने वो हेवी होना चाहिए, आप विथ ज्वेलरी एंड कुछ ट्रिक्स फॉलो करके उस साड़ी का लुक ना बहुत अच्छा बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बनाया हुआ है। दिस इज साड़ी जो कि सिर्फ 595 रुपीज की साड़ी है, इसके साथ मैंने स्टाइलिंग की है। सो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। ये जो साड़ी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड जितनी भी मैंने ज्वेलरी पहनी है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। और अपने फैमिली में फ्रेंड्स में प्लीज इसे शेयर करें। आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्टाइलिश।